फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूँ डेली इस्तेमाल होने वाले एक शानदार टॉपिक जिसे आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और यह टॉपिक YouTube पर पहली बार मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहाँ हम कहते हैं कि कोई आदमी किसी काम में जमा हुआ है, या कोई आदमी किसी काम में सच्चे दिल से या सच्चे मन से लगा हुआ है। जैसे अगर आपको कहना हो वह इंग्लिश सीखने में जमा हुआ है या वह इंग्लिश सीखने में लगा हुआ है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे ही इज कमिटेड टू लर्निंग इंग्लिश। यानी इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप सब्जेक्ट इजारम कमिटेड टू के साथ एक जीरंड का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे अगर आपको कहना हो वह अपनी इंग्लिश सुधारने में जमी हुई है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी इज कमिटेड टू इम्प्रूविंग हर इंग्लिश। वह अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा हुआ है या जमा हुआ है, तो आप कहेंगे ही इज कमिटेड टू ग्रोइंग हिज बिजनेस। मैं अपना नाम रोशन करने में लगा हुआ हूँ, या मैं अपना नाम रोशन करने में जमा हुआ हूँ, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम कमिटेड टू ग्लोरीफाइंग माई नेम। यानी मैं अपने नाम को रोशन करने में जमा हुआ हूँ या लगा हुआ हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता दूं कि कमिटेड टू के बाद आप कोई नाउन भी बोल सकते हैं। यानी अगर आपको कोई एक्शन बोलना होगा यानी वर्ब बोलना होगा, तो आप आईएनजी फॉर्म के शक्ल में बोलेंगे। लेकिन अगर एक्शन नहीं है, कोई नाउन है, तो आप उसे बोल सकते हैं। जैसे वह इस प्रोजेक्ट पर जमा हुआ है, या वह इस प्रोजेक्ट पर लगा हुआ है, तो आप कहेंगे ही इज कमिटेड टू दिस प्रोजेक्ट। वह अपने काम पर लगा हुआ है, या वह अपने काम पर जमा हुआ है, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज कमिटेड टू हिज वर्क। अगर आपको कहना हो वह पैसा कमाने में जमा हुआ है, या वह पैसा कमाने में लगा हुआ है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज कमिटेड टू अर्निंग मनी। यानी वह पैसा कमाने पर सच्चे दिल से पूरे मन से लगा हुआ है, या उसमें खो गया है, या जमा हुआ है। मैं ज्यादा व्यूज पाने में जमा हुआ हूँ, या मैं ज्यादा व्यूज पाने में लगा हुआ हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम कमिटेड टू गेटिंग मोर व्यूज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आई एम कमिटेड टू, या यू आर कमिटेड टू, ही इज कमिटेड टू, सी इज कमिटेड टू प्लस जीरंड का इस्तेमाल समझ में आया। जब आपको कहना हो कि मैं किसी काम में जमा हुआ हूँ, या मैं किसी काम में लगा हुआ हूँ, या आप किसी काम में जमे हुए हैं, या आप किसी काम में लगे हुए हैं, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को आई एम कमिटेड टू, यू आर कमिटेड टू, सी इज कमिटेड टू, ही इज कमिटेड टू के साथ जीरंड का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा, तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं? दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।